नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। जनपद में 38 केंद्रों पर यूपीएससी की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में परीक्षा देने आए छात्रों ने बताया कि पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ सवाल सिलेबस से अलग आया था, जिसकी वजह से पेपर टफ हो गया था। उम्मीद है कि निकल जाएंगे। उन्होंने बताया कि साइंस, इतिहास, करंट अफेयर के सवाल आए थे, लेकिन पेपर अच्छा हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए यूपीएससी की परीक्षा देने आए परीक्षार्थी अफजल आलम, सुजीत कुमार, कंचन चंदन कुमार गुप्ता ने कहा, ठीक ठाक रहा। ऑप्शंस में ऐसे आए ऑप्शंस की इलिमिनेशन बिल्कुल ही कम हो गए थे। किस तरह के क्वेश्चंस वैसे ही मॉडरेट टाइप ही थे, लेकिन ऑप्शंस में उन्होंने ऐसे कर दिया कि आप इलिमिनेशन कर नहीं सकते ज़्यादा। इससे पहले भी आप एग्जाम? हाँ, इससे पहले भी। क्या लग रहा आज एग्जाम? एग्जाम ठीक ठाक हुआ। क्या नाम है? अफजल आलम। कहाँ से आए? कुशीनगर से। अच्छा हुआ है। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? मल्टी टेक्सन पेपर आए थे। इससे पहले भी एग्जाम आप किया? नहीं। क्या लग रहा आज पेपर? अच्छा लगा। क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि निकल सकते हैं। क्या नाम? सुजीत कुमार। पेपर कैसा रहा? अच्छा था। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? साइंस, ज्योग्राफी, मतलब हर टाइप से पूछा गया था, और करंट अफेयर्स से भी सिर्फ कोरोना का था एक क्वेश्चंस ज़्यादातर। हिस्टोरिकल भी बनाया गया, मतलब सारे तरफ से कवर किया गया था। पहले भी आपने एग्जाम दिया? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, बट पढ़ा नहीं था, इस बार किया है थोड़ा। क्या लग रहा है आज का पेपर? अच्छा गया, 50-50, देखते हैं। क्या नाम? कंचन। पेपर ठीक ठाक रहा, लेकिन क्वेश्चन कोई खास नहीं था। जिस तरह से हम तैयारी किए थे उसी हिसाब से क्वेश्चन थे, और पहली बार एग्जाम दिए हैं तो थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन हम अच्छा स्कोर करेंगे। इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया था? नहीं नहीं, ये पहला बार है। आज का पेपर देखिए कैसा लगा आपको, क्या उम्मीद बन गई? उम्मीद ये है कि हम अच्छा स्कोर करेंगे। कहाँ से आप आए? बलिया से। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार गुप्ता।